तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। और कॉन्टूर क्या है? एक रेक्टेंगल है जेड प्लेन में, और डायरेक्शन दिया हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज। तो जो रेक्टेंगल होगा उसका जो चार वर्टिसेस है वो -1 + j -1 - j, 3 + j एंड 3 - j। तो अगर ये हमारा जेड प्लेन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -1 रियल एक्सिस में, और इधर +3 रियल एक्सिस में, और इमेजिनरी एक्सिस में +j या -j। तो ये 4 वर्टिसेस इधर मिल गया हमको, ठीक है। और ये रहा हमारा रेक्टेंगल जेड प्लेन में। सो दिस पॉइंट इज -1 + j, दिस पॉइंट इज -1 - j, दिस पॉइंट इज +3 - j, दिस पॉइंट इज +3 + j, ठीक है। और फंक्शन क्या है? फंक्शन इज 1 / z² × z - 4, ये रहा फंक्शन। तो पहले क्या करेंगे, जब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक कंटूर में इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पहले रेसिड्यू निकालेंगे फंक्शन का, ठीक है, f(z) का रेसिड्यू निकालेंगे। अगर कंटूर का डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज हुए तो इंटीग्रल निकालने के लिए उसमें +2 π j मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर कंटूर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिया हुआ है तो फंक्शन का जब हम इंटीग्रल निकालेंगे तो रेसिड्यू में -2 π j मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इधर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया हुआ है, तो जब इंटीग्रल निकालेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का तो रेसिड्यू निकालेंगे पहले, फिर उसमें +2 π j मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगा। और इधर फंक्शन क्या है? f(z) इज 1 / z² × z - 4। अगर हम पोल निकालेंगे फंक्शन का तो z² का पोल क्या होगा? z = 0, z = 0, और z - 4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो z = 4 पे हमको पोल मिलेगा। ये वाला पोल रीजन के बाहर आ रहा है, सो दिस इज +3, सो हियर z = +4। तो ये रीजन के बाहर आ रहा है, तो रीजन के अंदर कौन कौन आ रहे हैं? z = 0, z = 0, ये सिर्फ रीजन के अंदर आ रहे हैं। तो फंक्शन को कैसे अरेंज करेंगे? सो f(z) फंक्शन इज 1 / z - 4 / z² ये मल्टीपल ऑर्डर वाला पोल आ गया इधर। तो जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिनोमिनेटर में z - z₀ to the power m होता है, m इज द ऑर्डर ऑफ पोल, ठीक है, z₀ इज द पोल। सो जब इस केस में जब पोल का ऑर्डर एम है तो इस केस में रेसिड्यू क्या होता है? पहले क्या करेंगे, फंक्शन में z - z₀ to the power m मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एम से एक कम यानी कि m - 1 टाइम्स उसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जेड। सो इसका क्या करेंगे, d^m - 1 / dz^m - 1, फिर उसका लिमिट लेंगे z→z₀ पे, फिर इसमें m - 1 का फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह एक मल्टीपल ऑर्डर पोल का रेसिड्यू हमको मिल सकता है, ठीक है, अगर ये डिनोमिनेटर में z - z₀ to the power m टर्म है। सो
सो इसको हम अरेंज करेंगे इससे, वन बाई जेड माइनस फोर होल डिवाइडेड बाई जेड माइनस जीरो टू द पावर टू। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एम क्या है, एम इक्वल टू टू, और जेड नट क्या है, जेड नट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो रेसिड्यू क्या होगा, सो हियर फंक्शन वन बाई जेड माइनस फोर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यार एम इज टू एंड जेड नट इज जीरो, फिर एम का वैल्यू टू है तो एम माइनस वन कितना होगा, वन होगा, तो एक ही बार उसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जेड, फिर उसका लिमिट निकालेंगे एट जेड टेंड्स टू जीरो, हियर जेड नॉट इज जीरो, देन एम इज टू, टू माइनस वन इज वन, वन का फैक्टोरियल वन, तो इधर वन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेसिड्यू कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाई जेड माइनस फोर का डेरिवेटिव निकालना है, दैट मीन्स डी बाई डी जेड ऑफ वन बाई जेड माइनस फोर, सो वन माइनस सॉरी वन बाई जेड माइनस फोर का डेरिवेटिव निकालेंगे एंड लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो। सो वन बाई जेड का डेरिवेटिव कितना होता है विथ रिस्पेक्ट टू जेड, कितना होता है माइनस वन बाई जेड स्क्वायर, और वन बाई जेड माइनस फोर का डेरिवेटिव कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड, दिस इज माइनस वन बाई जेड माइनस फोर होल स्क्वायर, फिर जेड माइनस फोर का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो कितना होगा वन होगा, इधर इधर मल्टीप्लाई बाई वन, सो उसका डेरिवेटिव कितना होगा माइनस वन बाई जेड माइनस फोर होल स्क्वायर, देन लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, जेड के प्लेस में जीरो पुट करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस वन बाई माइनस फोर का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, तो ये रहा हमारा रेसिड्यू। सो रेसिड्यू इक्वल टू माइनस वन बाई 16, तो इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, इंटीग्रल वैल्यू इक्वल टू टू पाई जे मल्टीप्लाई करेंगे रेसिड्यू में, तो रेसिड्यू कितना है माइनस वन बाई 16, तो टू एंड 16 हियर डिनोमिनेटर में 8, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है माइनस पाई जे डिवाइडेड बाई 8, ए ऑप्शन में था, तो यही आंसर आपका आया है, तो आपका आंसर करेक्ट है। थैंक यू।